एक्चुअली हैंडीकैप लगा के टीआरपी गेन करे। बहरहाल मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और बहुत एक कसम है हम देखेंगे जिससे बड़ा बवाल कटा हुआ है। ठीक है, कानपुर IIT से शुरू हुआ, मैं भी जर्नलिज्म का हूँ तो हम लोगों को भी थोड़ा सा आग में हाथ डालने का एक आदत लग गई है। वो एक बार क्या करते हैं कि यहाँ से वो ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि पहले काफी तब से बोले गए हैं। हम देखेंगे को आज आइए हिस्टोरिक नजम बना देते हैं यहीं से कि आवाज जाए फिर वो वायरल करते हैं इस चीज को। स्टार्ट करते हैं, जब भी हम देखेंगे आएगा आपको मेरे साथ साथ पीछे कोरस रिपीट करना है। ओके ओके गॉट इट। ठीक है, स्टूडेंट तो मेरा नहीं हो पाएगा, आवाज नहीं आएगी, मैं ऐसी आज करता हूँ। ठीक है, हम भी आपको हम देखेंगे साथ में बोलना है। लहसुन है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, वो देंगे जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, जब सवाल काटा गया था, ये दूसरे कॉन्टेस्ट में नजर है, इसको गलत गलत कॉन्टेस्ट में पेश किया गया, तो इसको आप सही कॉन्टेस्ट में लें। बस नाम रहेगा जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा ललक का नारा, उठेगा दो लाइने हैं। रवि साहब ने क्वेश्चन में भी लगाया था कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो चरण सिंह जी के अभी उसको सपोर्टिंग है और हम देखो कितना अच्छा एक इंसिडेंट है, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अली जौहर साहब बहुत अच्छे मित्र थे, जेएनयू में पहले आवाज उठाई, मौलाना अली जौहर की जमीन जामिया ने भी आवाज उठाई और दोनों